संहिता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना झगड़ा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो योद्धा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुष्ट करे वह सफल होता है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, उसी के समान होते हैं जो पर्वत से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा।